नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं होम ऑटोमेशन के बारे में, खासकर कैडियो होम ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में। दोस्तों, क्या आप अपने घर को स्मार्ट बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर की सारी लाइट्स, फैन और दूसरे उपकरण आपके स्मार्टफोन से कंट्रोल हो? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। कैडियो होम ऑटोमेशन सिस्टम के साथ आप अपने घर के हर कोने को स्मार्ट बना सकते हैं। यह हमारे होम ऑटोमेशन सीरीज का पांचवा वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज कर होम अप्लायंसेस को कंट्रोल करने के तरीके के बारे में बताया है। अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैडियो सिस्टम को सेटअप कैसे किया जाता है और इसका यूजर इंटरफेस कितना आसान है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे अपनी लाइट, फैन, दूसरे उपकरण को कंट्रोल कर सकते हैं बस अपने स्मार्टफोन की एक क्लिक से। और दोस्तों, अगर आप और भी एडवांस फीचर चाहते हैं तो कैडियो सिस्टम वॉइस कमांड को भी सपोर्ट करता है। आइए देखते हैं कैसे। हे गूगल, टर्न ऑन ब्लू लाइट। देखा है आपने कितना आसानी से आप अपने घर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे कैडियो होम ऑटोमेशन आपके जीवन को सरल और स्मार्ट बना सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न कर सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैडियो फर्मवेयर को अपने ESP32 या ESP8266 में अपलोड कैसे करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। इसके लिए हम आ जाते हैं क्रोम ब्राउजर पे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे कैडियो होम ऑटोमेशन। यहाँ पे देख सकते हैं ये पहली साइट है, इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैडियो के बारे में, यहाँ फीचर के बारे में दिया हुआ है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो कैडियो का ऐप है उसका प्रीव्यू यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप कैडियो का ऐप गूगल प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर दोनों जगहों से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैडियो फर्मवेयर को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड सेंटर का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ESP8266 के फर्मवेयर यहाँ पे दिया हुआ है, ESP32 का फर्मवेयर दिया हुआ है और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ESP फ्लैश टूल का दिया हुआ है। इसकी सहायता से हम फर्मवेयर को अपने ESP में अपलोड करेंगे। तो चलिए इन सबको हम डाउनलोड कर लेते हैं। आप अपने बोर्ड के हिसाब से अपना डाउनलोड कर सकते हैं कि कौन सा बोर्ड के लिए आप डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर आप ESP8266 यूज कर रहे हैं तो उसका फर्मवेयर यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप ESP32 यूज कर रहे हैं तो इसका फर्मवेयर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले ही डाउनलोड कर रखा हूँ और इसको मैं एक्सट्रैक्ट करके हमने एक फोल्डर में रखा है। तो चलिए हम उस फोल्डर पे चलते हैं। तो देख सकते हैं ये हमने ये दोनों फाइलें डाउनलोड करके, और ये दोनों फाइलें जिप फॉर्मेट में डाउनलोड होती है, जिनको हम एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे हमने रख लिया। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैश टूल है, जो ESP का फ्लैश टूल है, और यहाँ पे कैडियो का फर्मवेयर है, हमने ESP32 के लिए डाउनलोड कर रखा है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं फ्लैश टूल को हम, और यहाँ पे आप देखेंगे फ्लैश टूल यहाँ पे ये एप्लीकेशन मिलेगा, इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये ओपन हो गया है। यहाँ पे चिप टाइप दे रहा है, यहाँ पे आप अपने बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, आप किस पे वर्क करना चाहते हैं, ESP8266 या ESP32। यहाँ पे ESP के और भी बोर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मैं चलता हूँ ESP32 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ओके पे हम क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं ये ऐसा विंडोज खुल के आएगा, ऐसा इंटरफेस मिलेगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ पे 3 डॉटेड दिख रहे हैं। यहाँ पे हमने जो अपना फर्मवेयर डाउनलोड किया है उन चारों फोल्डरों में बिन फाइल हमको मिलेगी, उनको हम यहाँ पे एक एक करके सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटा बाग, हम जिस फोल्डर का बिन फाइल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उस फोल्डर का नाम यहाँ पे हम लिखेंगे। चलिए हम बताते हैं कैसे इसको करते हैं। इसको हम यहाँ पे 3 डॉट वाले पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम आ गए हमने जहाँ पे जो हमारा कैडियो का फर्मवेयर है जिसको हमने एक्सट्रैक्ट करके रखा है वो यहाँ पे है। आप देख सकते हैं इसमें 4 फाइलें आपको मिलेंगी, इन चारों फाइलों को एक एक करके हम सेलेक्ट करेंगे और जो ये आप फोल्डर का ये नाम दिया हुआ है 0x करके, इसको हम यहाँ पे अपने इस छोटे वाले बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए एक एक करके इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे बिन फाइल आपको इसमें मिलेगी, इसको ओपन करते हैं और ये देख सकते हैं ये है इसका फोल्डर नेम, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सिंपली और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चलिए अब बाकी 3 को भी हम जल्दी से सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो फ्रेंड देख सकते हैं हमने इन चारों फाइल को सिलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चेक बॉक्स दिया है, इन सबको हम टिक कर लेंगे चारों फाइलों को। और अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने ESP32 को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस कॉम वाले ऑप्शन में कि इस कॉम से ये कनेक्ट हुआ है। यहाँ पे मेरे केस में ये COM9 से कनेक्ट हुआ है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो जैसा ऑप्शन है वैसे ही रहने देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यह हमारा फर्मवेयर अपलोड होना चालू हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड फर्मवेयर हमारा अपलोड होना चालू हो गया है, तो इसको अपलोड होने देते हैं। जब तक यह फर्मवेयर अपलोड हो रहा है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें कंप्यूटर की जरूरत सिर्फ फर्मवेयर को अपलोड करने के लिए है, बाकी सारा सेटअप हम अपने मोबाइल में कैडियो ऐप के माध्यम से करेंगे। तो फ्रेंड ये अभी अपलोड हो रहा है, इसको अपलोड होने देते हैं, फिर हम चलेंगे अपने मोबाइल पे और वहाँ हम सारा सेटअप आपको करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारा ये फर्मवेयर अपलोड हो गया है ESP32 में। अब चलते हैं हम अपने मोबाइल पे और वहाँ पे हम सारा सेटअप आपको करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड आ गए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अब देख सकते हैं हमने प्ले स्टोर ओपन किया है, यहाँ से आप कैडियो होम ऑटोमेशन सर्च करेंगे तो यहाँ पे कैडियो का ऐप आपको मिल जाएगा, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। मैं इसको पहले से डाउनलोड कर लिया हूँ। तो फ्रेंड इसको ओपन करते हैं, ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा, यहाँ से साइन इन करने को बोलेगा। तो आप पहले यहाँ पे साइन अप करके आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा और फिर यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के इसको साइन इन कर दीजिएगा। मैं इसको पहले से बना रखा हूँ तो मैं इसको साइन इन करता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं साइन इन हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम इसको ESP32 के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे इसके लिए हम जानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ESP32 में एक ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब क्या है कि यह पेयरिंग मोड में है। अगर यह ब्लू लाइट ब्लिंक नहीं करती है तो आप इस वाले बटन को 3 से 4 सेकंड तक दबाए रखेंगे तो यह पेयरिंग मोड में चला जाएगा। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हम जो ESP32 का जो वाईफाई है उसको हम अपने मोबाइल में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो हमको कैडियो नाम से एक वाईफाई मिलेगा। देख सकते हैं ये कैडियो नाम से हमको वाईफाई मिल रहा है, इसको हम अपने कनेक्ट कर लेंगे अपने मोबाइल से। कनेक्ट करने के बाद हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डॉट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे। देखिए ये कनेक्टिंग चालू हो गया है, कनेक्टिंग होने के बाद तुरंत यहाँ पे सेटअप करने को आ जाएगा। देख सकते हैं ये आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे इंटरफेस है। और यहाँ पे हम अपने डिवाइसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम क्या लेना चाहते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए ऑन ऑफ स्विच है, RGB है, सेंसर है, DHT IR, शटर, डिमर और फैन। यहाँ से आप अपने अनुसार कोई भी चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑन ऑफ बटन लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ये पूरा एक सेटअप बनाया हूँ, इसको 4 रिले का, पहला रिले, दूसरा, तीसरा और चौथा मैं इस सॉकेट के लिए यूज किया है। इसकी भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप इसको बनाना सीखना चाहते हैं तो आप वहाँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको बनाने का पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं पिन को। यहाँ पे मैं 4 ऑन ऑफ स्विच ले लेता हूँ। देख सकते हैं हमने 4 ऑन ऑफ स्विच ले लिया। यहाँ पे GPIO पिन दे रहा है, इसको हम GPIO पिन में क्या डालेंगे, तो यहाँ पे हमने रिले को जिस पिन से कनेक्ट कर रखा होगा वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, वो पिन नंबर सिलेक्ट करेंगे। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे 16, दूसरे को मैं डाल देता हूँ 17, 18 और 19। GPIO पिन हमने 16, 17, 18, 19 हमने रिले के साथ कनेक्ट कर रखा है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बगल में स्विच का ऑप्शन है, हमने जो ये स्विच लगा रखा है इसको हमने किस पिन से कनेक्ट किया है उसके लिए यहाँ पे हमको पिन डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, मैं इसको 12, 13, 14 और 27 नंबर से हमने कनेक्ट कर रखा है तो मैं इसको 27 नंबर पे सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से GPIO पिन 16 नंबर डिफाइन है तो ये सेव नहीं होगा, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। वाईफाई LED के लिए मैं इसको 2 नंबर कर देता हूँ, 2 नंबर पहले से डिफाइन है तो मैं इसको 1 नंबर कर देता हूँ।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ एक्सपोर्ट इन्फो फाइल हमको नो करना है, तो इसको नो कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए ये कनेक्टिंग होने लगा। अब ये आपके आपका SSID और पासवर्ड पूछेगा, यानी आपका जो वाईफाई का नाम और वाईफाई का पासवर्ड यहाँ पे पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सर्च कर लेता है कि आपके आसपास कौन सा वाईफाई है। तो मेरे केस में मेरा ये चल रहा है नोकिया 1200, मैं इसको डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ अपने। पूछ रहा है यूनिट नेम, यूनिट नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ DIY टेक नॉलेज, और आप यहाँ पे सही वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है इसको कनेक्ट होने में। देखिए यहाँ पे जो ब्लू वाली LED जल रही थी वो अब जलना बंद हो गई, क्यों? क्योंकि ये अब कनेक्ट हो गया है इससे, इसलिए ये ब्लू वाली लाइट जलना बंद हो गई है। देख सकते हैं फ्रेंड ये कनेक्ट हो गया है। अब हम आपको इसको ऑन ऑफ करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड मैं पहले वाले को ऑन करता हूँ, देखिए ये ब्लू वाली लाइट हमारी जल गई। दूसरे को मैं ऑन करता हूँ, ये पिंक वाली लाइट जल गई, और ये हमारा येलो वाली लाइट जल गई, और ये हमारा चौथा है जो इस सॉकेट के लिए है। और यहाँ से आप देख सकते हैं तीनों को एक साथ आप बंद कर सकते हैं, और यहाँ पे एक साथ इनको चालू कर सकते हैं। फ्रेंड अब जानते हैं कि हम इसको एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ, गूगल होम के साथ कैसे इसको कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम आ जाते हैं एलेक्सा, यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ पे डिवाइस वाले मोर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और स्किल एंड गेम वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। यहाँ पे सर्च करेंगे कैडियो, कैडियो होम ऑटोमेशन आ गया पहला वाला कैडियो, इसको हम क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं हम इसको इनेबल करते हैं, यहाँ पे लिखा है इनेबल टू यूज, यहाँ पे इनेबल करेंगे तो यह ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा। तो इसको हम अपने जो कैडियो कैडियो ऐप को जिस ईमेल आईडी और पासवर्ड से हमने लॉगिन किया था वही वही ईमेल आईडी और पासवर्ड हम यहाँ भी डालेंगे। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं जल्द से। फ्रेंड देख सकते हैं ये लॉगिन हो गया है। हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये लिख रहा है एलेक्सा इज लुकिंग फॉर डिवाइस टू कनेक्ट, यहाँ पे सर्च कर रहा है एलेक्सा। देखिए आ गया कि 4 डिवाइसेस फाउंड एंड कनेक्टेड। हम नेक्स्ट करेंगे, हमने 4 स्विच यूज किए थे, वही चारों स्विच यहाँ पे आ गए 0, 1, 2, 3 के नाम से। ठीक है, तो मैं पहले को सिलेक्ट करता हूँ, सेटअप डिवाइस करता हूँ, और यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं, अपना बेडरूम का ले सकते हैं। मैं बेडरूम को इस ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, फिर तीसरे वाले को लेंगे, एक एक करके इन सबको फैमिली रूम कर देता हूँ, या आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं उसी नाम से। एक एक करके मैं कर देता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारा पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया है एलेक्सा में। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। एलेक्सा टर्न ऑन लाइन 0। देखिए चालू हो गया। एलेक्सा टर्न ऑफ लाइन 0, बंद हो गया। एलेक्सा टर्न ऑन लाइन 2, देख सकते हैं येलो वाला हमारा बल्ब जल गया है। एलेक्सा टर्न ऑफ लाइन 2, एलेक्सा टर्न ऑन लाइन 1। तो फ्रेंड देख सकते हैं एलेक्सा से हमने सक्सेसफुली इसको कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब एलेक्सा को आप कमांड देके आप ऑन ऑफ करा सकते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे फैन, AC, कूलर कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब देखते हैं हम कि गूगल असिस्टेंट के द्वारा हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसके लिए हम आ जाते हैं गूगल होम में, यहाँ पे आप सर्च करेंगे कैडियो। देखिए कैडियो आ गया, सेम प्रोसेस उसी तरह जिस तरह हमने एलेक्सा में किया था उसी तरह यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे सेम उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड के द्वारा यहाँ पे लॉगिन करेंगे। चलिए लॉगिन कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये लॉगिन हो गया है।
देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे जो हमने चारों स्विच लिए थे ऑन ऑफ वाले, यहाँ पे आ गए हैं लाइन 0, लाइन 2, लाइन 1, लाइन 3, ऐसे करके हम यहाँ से डन करते हैं। फ्रेंड हम बैक जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये चारों हमको दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं DIY टेक्नोलॉजी के नाम से हमने जो कैडियो में यूजर नेम दिया था वहाँ यहाँ पे दिखा रहा है। अब चाहे तो हम यहाँ से ऐसे बटन के माध्यम से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ये हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा बहुत सेटिंग करना पड़ेगा, मैं इस पे आता हूँ। तो यहाँ से सेटिंग के माध्यम से आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको ब्लू लाइट लिख दे रहा हूँ। अब मैं कमांड देता हूँ, हे गूगल टर्न ऑन ऑल लाइट। देखिए तीनों लाइट ऑन हो गई। अब मैं इसको कमांड देता हूँ एक साथ कि तीनों लाइट को बंद करने के लिए, हे गूगल टर्न ऑफ ऑल लाइट। देखिए टर्निंग ऑफ थ्री लाइट्स, ये तीनों लाइटों को बंद कर दिया। हे गूगल टर्न ऑन ब्लू लाइट। Got it. Turning on the blue light. Hey Google, turn on yellow light. Okay, turning the yellow light on. Hey Google, turn on pink light. Got it. Turning the pink light on. So friend, देख सकते हैं हमने कैडियो को अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ कनेक्ट करके इसको यूज करके हमने आपको दिखाया। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए।